भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक अत्यंत प्रसिद्ध नाटक है भारत दुर्दशा। आज हम भारत दुर्दशा में चित्रित समस्याओं का अध्ययन करेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा में किन समस्याओं का उल्लेख किया है, किन समस्याओं का चित्रण किया है। इस प्रश्न का उत्तर हम निम्न बिंदुओं के आधार पर लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना, फिर लिखेंगे राजनीतिक समस्याएं कौन सी थी, फिर आर्थिक समस्याएं, फिर सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं थी। पहली समस्या थी जुआचित और धार्मिक समस्याएं, दूसरी थी जाति प्रथा की समस्याएं, तीसरी थी विधवा विवाह निषेध, विधवाओं को दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं थी, बाल विवाह की समस्याएं थी, बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी, अनमेल विवाह मतलब अधिक उम्र का पुरुष कम उम्र की महिला इनकी शादी का प्रचलन था, और बहुविवाह की समस्याएं थी मतलब एक ही व्यक्ति बहुत सारे महिलाओं से शादी कर सकता था, बहुपत्नी प्रथा थी, एक व्यक्ति कई महिलाओं से शादी कर सकता था, अंधविश्वास की समस्याएं थी और भारतीय जनता की अकर्मण्यता की समस्याएं थी, और अंत में लिखेंगे हम निष्कर्ष। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा का प्रकाशन सन 1880 ईस्वी में हुआ था। भारत दुर्दशा भारतेंदु की लेखनी से निकली मर्म स्पर्शी कृति है, मतलब बहुत ही दिल को छू लेने वाली कृति है। 6 अंकों का यह नाट्य रासक, यह नाट्य रासक मतलब नाटकों का एक प्रकार है, कैटेगरी है। तो 6 अंकों का यह नाट्य रासक आज भी प्रभावोत्पादक है, आज भी प्रभावी है। भारत दुर्दशा के सृजन के पीछे कौन से कारक थे, कौन सी प्रवृत्ति थी और क्या मंतव्य था, इसको समझने के लिए उस दौर की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को निरपेक्ष दृष्टि से सम्यक रूप से परखने की आवश्यकता होगी। भारत दुर्दशा को लिखने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था और उस समय की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, इसको समझने के लिए हमको इसको पूरा सम्यक रूप से इसका अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। भारत दुर्दशा ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पराधीन भारत के सामाजिक राजनीतिक जीवन की कथा है। जिस समय यह भारत दुर्दशा लिखी गई उस समय भारत पराधीन था, और उस समय भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन की क्या स्थिति थी, क्या व्यथा थी, उसकी यह कथा है। इसमें भारतेंदु ने 19वीं शताब्दी के भारत में व्याप्त समस्याओं का अत्यंत जीवन चित्रण किया है। मतलब उस समय 19वीं शताब्दी में जो भी समस्याएं थी हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में जो भी समस्याएं व्याप्त थी, उसका इन्होंने जीवंत चित्रण किया है उन सभी का। इन समस्याओं का हम राजनीतिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं और सामाजिक समस्याओं के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। तो जितनी भी समस्याएं हैं इनका हम अध्ययन अलग अलग कैटेगरी में बांटकर हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ अध्ययन शब्द लिखना छूट गया है, अध्ययन। अतः भारत दुर्दशा में भारतेंदु द्वारा चित्रित समस्याओं का बिंदुवार अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है राजनीतिक समस्याएं। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम, मतलब उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, राजनीतिक समस्याएं क्या थी, उसे हम देखते हैं। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सैन्य बल द्वारा बर्बरतापूर्वक कुचला जा चुका था। 1857 में जो क्रांति हुई थी भारत में, स्वतंत्रता संग्राम जिसे हम कहते हैं, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैन्य बल के द्वारा, सैनिकों के द्वारा बर्बरता से कुचल दिया था। भारत का शासन सूत्र कंपनी के हाथ से ब्रिटिश सरकार अर्थात रानी और उनकी मंत्रिपरिषद के हाथों में पहुंच चुका था। 1857 के बाद क्या हुआ, जो कंपनी का जो शासन था उसको यहाँ से हटा लिया गया, और जो भारत में जो शासन करने की जो प्रणाली थी, जो सूत्र था, जो पावर था, वह रानी के पास चला गया और उनकी मंत्रिपरिषद वहाँ इंग्लैंड से हैंडल करने लगी भारत को। राजनीतिक दृष्टि से भारत ब्रिटेन के अधीन देश था, और आर्थिक दृष्टि से उसका उपनिवेश, उपनिवेश मतलब होता है कॉलोनी, कॉलोनी मतलब होता है जहां जाकर वे अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। मतलब राजनीतिक दृष्टि से भारत क्या था, ब्रिटेन के अधीन देश था, मतलब शासन और संचालन किसके हाथ में था, ब्रिटेन के हाथ में था, इंग्लैंड के हाथ में था, और आर्थिक दृष्टि से उसका उपनिवेश था। उपनिवेश को बोलते हैं कॉलोनी, कॉलोनी मतलब होता है जैसे अलग अलग जगहों में जाकर वो अपना फैक्ट्री स्थापित करते थे और कॉलोनी बनाते थे। साम्राज्यवाद का शिकंजा अपनी विकृतियों और विसंगतियों के साथ भारत पर कसता जा रहा था। साम्राज्यवाद मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना, अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए दूसरे राष्ट्र को भी अपने अधीन कर लेना, इसे कहा जाता है साम्राज्यवाद।
जब कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर शासन करता है तो निश्चित रूप से उसमें बहुत सारी विकृतियां होती हैं, बहुत सारी विसंगतियां होती हैं, और उस राष्ट्र के लोग, पराधीन राष्ट्र के लोग परेशान होते हैं। उपनिवेशीकरण के उस दौर में एक पराजित और पराधीन राष्ट्र आर्थिक रूप से पंगु होकर कर आ रहा था। समाज के सभी वर्ग शोषण से पीस रहे थे। मतलब जब भारत पराधीन हो गया तब उस समय आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई लोगों की, और समाज के सभी वर्ग शोषण के शिकार थे, शोषण से पीस रहे थे। मतलब आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, बहुत ही दयनीय हो गई थी लोगों की। तो ऐसी राजनीतिक स्थिति है, मतलब एक पराधीन राष्ट्र में कभी कोई सुखी नहीं रह सकता। तो यहां पर इसका उन्होंने बहुत ही शानदार ढंग से चित्रण किया है। अब आर्थिक आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी थी, यहां पे आप इसको प्लूरल में ही लिख ले तो ज्यादा अच्छा है। राजनीतिक समस्याएं यहां पर, फिर आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याएं कौन सी थी, भारत को औपनिवेशिक शासन ने बाध्य किया कि वह अपने तैयार उत्पाद का निर्यात करने की जगह कच्चा कपास और कच्चा रेशम का निर्यात करे, जिसके ब्रिटिश उद्योगों को आवश्यकता थी। मतलब जो औपनिवेशिक शासन था भारत में, उसने भारत के नागरिकों को बाध्य किया कि वे यहां अपना माल तैयार ना करें, कि वे माल तैयार करके उनका निर्यात ना करें विदेशों में, बल्कि वे जो कच्चा माल है उसको इंग्लैंड को दे दे, ब्रिटेन को दे दे। मतलब जो कपास और कच्चा रेशम, भारत में बहुत ज्यादा उत्पादन होता था कपास और कच्चे रेशम की खेती के लिए, भारत बहुत ही प्रसिद्ध था जिससे कपड़े वगैरह बनाए जाते थे। तो इन सब की जरूरत थी ब्रिटिश उद्योगों को, तो उन्होंने भारतीय लोगों से बोला कि नहीं, तुम यहाँ निर्माण मत करो, तुम कच्चा रेशम और जो कपास है उसको हमको दे दो, हम वहां से कपड़ा बना के आपको देंगे। तो कुल मिलाकर भारतीयों को यह कहा गया कि तुम इसका मतलब कच्चे माल हमें दो और हमसे तैयार माल हमसे लो, तुम खुद माल तैयार मत करो, इन कच्चे माल के द्वारा तुम अपना माल तैयार मत करो। भारत की संपत्ति और आर्थिक संसाधनों का एक बड़ा भाग भारत की संपत्ति और आर्थिक संसाधनों का एक बड़ा भाग ब्रिटेन को भेजा जा रहा था, और प्रतिफल के रूप में भारत को पर्याप्त आर्थिक या भौतिक लाभ नहीं मिल रहा था। मतलब भारत की ये जो संपत्ति थी, जो प्रचुर प्राकृतिक संसाधन थे, इन सबको विदेश भेजा जा रहा था, ब्रिटेन भेजा जा रहा था, लेकिन उसका समुचित मूल्य नहीं दिया जा रहा था, उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा था भारतीयों को। यह आर्थिक धन ब्रिटिश शासन की, यह आर्थिक जो शोषण है, ये आर्थिक शोषण ब्रिटिश शासन की क्रूर विशेषता थी। तो उन्होंने क्या है, शोषण किया, उन्होंने बहुत ज्यादा शोषण किया, और यह उनकी क्रूर विशेषता थी शोषण। एक्चुअली आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ राइटिंग विद दिस पेन, सो आई थिंक दैट यू विल अवॉइड दिस इनकन्वीनियंस। तो यह ब्रिटिश शासन की क्रूर विशेषता थी। भारतेंदु भारत दुर्दशा में एक ओर तो ब्रिटिश शासन की जनहितकारी नीतियों की प्रशंसा करते हैं, वहीं दूसरी ओर भारत का धन लूट खसोट कर विदेश ले जाया जा रहा है, इसकी पीड़ा भी उनको कम नहीं है। मतलब ब्रिटिश शासन ऐसे नहीं कि हर चीज उनका खराब था, कुछ उनमें अच्छी बात भी थी, कुछ उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी भी थी, जिसका भारतेंदु उसका समर्थन करते हैं, है ना। उन्हें तटस्थ भाव से, निरपेक्ष भाव से देखते हैं, उनकी अच्छी नीतियों का तो वो समर्थन करते हैं, लेकिन जो भारत का धन विदेश चला जा रहा है, जिसके कारण जो भारतीय कारीगर हैं, जो भारतीय श्रमिक हैं, तो उनकी जो दुर्दशा हो रही है उसकी पीड़ा उनके मन में बहुत ज्यादा है। तो भारत दुर्दशा के प्रथम प्रथम अंक में, प्रथम पात्र के माध्यम से उन्होंने अपनी यह चिंता प्रकट की है। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जब भी आप नाटक या कविता या कोई भी प्रश्न लिखते हैं, उसका उत्तर लिखते हैं, तो पंक्तियों को जरूर कोट करें उस नाटक या उस कविता की, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। और यदि आप इन पंक्तियों को अगर नहीं लिखते हैं, उद्धृत नहीं करते हैं, तब आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। तो अच्छे तरीके से हाईलाइट करते हुए ब्लैक कलर का पेन अगर लाओ है, तो ब्लैक कलर के पेन से इसको लिखें। अगर दो कलर के पेन लाओ हैं, ब्लैक एंड ब्लू, तो जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसको ब्लैक कलर से लिखें, और जो अंदर का ये जो है, जो कविता वगैरह है, जो मतलब जो भी आप पंक्तियों को उद्धृत कर रहे हैं, उसे ब्लैक कलर से लिखें। तो यहां पर उन्होंने अपनी दुर्दशा, भारत दुर्दशा में लिखा है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति खुआरी। मतलब ठीक है, अंग्रेजों का राज बहुत अच्छा है, कुछ मामले में वो अच्छे हैं, लेकिन यहाँ का धन विदेश चला जाता है, इसका मुझे बहुत दुख है। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन के उद्योगों को समृद्ध करने के उद्देश्य से मुक्त व्यापार नीति को अपनाया। और मुक्त व्यापार नीति क्या थी, मुक्त व्यापार नीति पूर्णतः एक तरफा थी। आयात शुल्क की दर को अत्यंत हल्का रखा गया था, जबकि निर्यात पर भारी शुल्क आरोपित किया गया था। मतलब यदि कोई भारतीय अपने सामान को निर्यात करना चाह रहा है, तो उसका बहुत ज्यादा निर्यात शुल्क देना पड़ेगा ब्रिटिश सरकार को, लेकिन यदि ब्रिटिश सरकार बाहर से कोई माल आयात करती है, तो आयात करने में बहुत ही कम शुल्क था। मतलब यहाँ पर आयात को बढ़ावा दिया जा रहा था, आयात को प्रोत्साहन दिया जा रहा था,
और निर्यात को हतोत्साहित किया जा रहा था, क्योंकि निर्यात भारतीयों के द्वारा किया जाता। तो इस तरह इनकी जो मुक्त व्यापार नीति थी यह एक तरफा थी। इसका दुष्परिणाम इस रूप में सामने आया कि भारतीय उद्योगी नहीं बल्कि भारतीय शिल्पकार भी बर्बाद हो गए। पहले जो भारतीय शिल्पकार थे, जो भारतीय जो उद्योग भारतीय उद्योग थे, तो वो अपने सामान को बाहर निर्यात करते थे, तो इस क्या है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, जो शिल्पकार थे, जो कल कारखाने चलाने वाले थे। लेकिन बाद में सरकार ने निर्यात के ऊपर इतना ज्यादा शुल्क लगा दिया, इतना ज्यादा टैक्स आरोपित कर दिया कि उनके लिए निर्यात करना बहुत ही मुश्किल हो गया। और धीरे धीरे शिल्पकार होते हैं, शिल्पकार मतलब जो हथकरघा जैसे चलाने वाले हैं, हस्तशिल्प जिसको बोलते हैं, हाथ से जो कपड़ा तैयार करते हैं, मशीन से नहीं हाथ से, तो यह शिल्पकार भी बर्बाद हो गए और छोटे छोटे भारतीय उद्योग भी बर्बाद हो गए। हस्तशिल्पकारों पर करार और प्रहार ब्रिटेन से आयातित मशीन निर्मित उत्पाद ने किया, जिसमें उच्च कोटि की तकनीक का प्रयोग किया जा रहा था, जिसे भारत अभी अनभिज्ञ था, है ना, भारत क्या अभी अनभिज्ञ था। तो हस्तशिल्पकार मतलब जो हाथों के द्वारा विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का निर्माण करते हैं, जो हाथ से कपड़ा बनाते हैं, जो हाथ से कपड़ा बनाते हैं हस्तशिल्पकार, तो इनको सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश से जो सामान आता था, जो आयातित कपड़ा वगैरह होता था, वो मशीनों के द्वारा निर्मित होता था। या भारत में भी जो कपड़ा निर्माण करते थे वे क्या है, मशीनों से निर्माण करते थे, कम समय में बहुत ज्यादा कपड़ा बना लेते थे और उनका सामान भी सस्ता होता था। और भारतीय कामगार जो थे, भारतीय शिल्पकार जो थे, उनके कपड़े थोड़े महंगे होते थे। तो फिर वो जैसे अभी चाइनीज मोबाइल है, चाइनीज मोबाइल सस्ता है और बाहर से आ रहा है, कम पैसे में बहुत ही अच्छा मोबाइल मिल जाता है, तो लोग क्या है चाइनीज मोबाइल खरीदना पसंद करते हैं। और कोई भारतीय कंपनी अगर मोबाइल बनाती तो वो मोबाइल महंगा रहेगा, लोग भारतीय कंपनी के मोबाइल नहीं खरीद के चाइनीज मोबाइल खरीदेंगे, कुछ ऐसी स्थिति थी। और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उससे भारतीय अनभिज्ञ भी थे और गरीब भी थे, उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इस स्थिति की भयावहता का उल्लेख दादा भाई नौरोजी ने टिप्पणी करते हुए लिखा। दादा भाई नौरोजी ने बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे उस समय के, उन्होंने टिप्पणी करते हुए लिखा है, भारत के लाखों लाख लोगों के लिए जीवन का अर्थ आधा पेट भोजन या भूखमरी या अकाल और महामारी। तो उन्होंने बहुत अच्छा लेख लिखा था, उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ पर है। तो दादा भाई नौरोजी क्या कहते हैं कि लाखों लोगों के लिए जीवन सिर्फ इतना है कि आधा पेट भोजन उनको मिलेगा, या तो वे भूखमरी से मरेंगे, या अकाल से मरेंगे, या महामारी से मरेंगे, बस यही उनके जीवन का लक्ष्य है। दादा भाई नौरोजी का यह वक्तव्य आर्थिक शोषण के उस चक्रव्यूह को स्पष्ट करता है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पीस कर रख दी गई थी। इस चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग भारतीय निरंतर तलाश कर रहे थे, मतलब भारतीय इस चक्रव्यूह से निकलना चाह रहे थे और रास्ता तलाश रहे थे। अब सामाजिक समस्याओं पर आते हैं। सामाजिक समस्याएं तो प्रचुर मात्रा में थी उस समय। एक ओर भारत आर्थिक रूप से कंगाल हो रहा था, तो दूसरी ओर सामाजिक जीवन रूढ़ियों के मकर जाल में जकड़ा था। मतलब बहुत सारी पारंपरिक रूढ़ियां थी, कुछ ऐसी बातें थी जो समाज को पीछे ढकेल रही थी। उस समय प्रगतिशील सोच नहीं था लोगों की, वो रूढ़ियों में जकड़े हुए थे। भारतीय सामाजिक ढांचे की विकृतियों और सांस्कृतिक दुर्बलताओं के कारण ही मुट्ठी भर लोगों की ईस्ट इंडिया कंपनी से 20 करोड़ की जनसंख्या वाले ईस्ट इंडिया कंपनी ने 20 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत को उपनिवेश में बदल दिया। तो देखिए वो लोग कितना कम संख्या में लोग आए थे, लेकिन इस छोटी सी कंपनी ने 20 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत को उपनिवेश में तब्दील कर दिया, एक कॉलोनी में तब्दील कर दिया। कॉलोनी में बता चुका हूं उपनिवेश क्या होता है। यूरोप जहां ज्ञान के प्रकाश से जगमगा रहा था, वहां भारत जाति और परंपरा के ढकोसले में पड़ा अपनी दुर्दशा को रो रहा था। जहां यूरोप में उस समय औद्योगिक क्रांति हो गई थी, वे बहुत आगे बढ़ रहे थे तेजी से, लेकिन उस समय क्या हो रहा था, भारत तो अपनी पारंपरिक जो जाति प्रथा है और उनकी जो परंपराएं हैं, प्राचीन रूढ़ियां हैं, उन्हीं में जकड़ा हुआ था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था और अपने हालात पे रो रहा था। लोक धर्म अंधविश्वासों से भरा हुआ था। लोक धर्म मतलब लोगों के जो धर्म थे, अलग अलग धर्मों के जो पालन करने वाले लोग थे, वे अंधविश्वास से भरे हुए थे। बाल विवाह और बहुविवाह ने भारतीय महिलाओं के जीवन को नारकीय बना दिया था, मतलब महिलाओं का जीवन नरक जैसे हो गया था। बाल विवाह, छोटी बच्चों की शादी हो जाती थी उस समय, बहुविवाह, एक व्यक्ति कई पत्नियां रखता था, इसने उनके जीवन को नरक बना दिया था। रही सही कसर विधवाओं पर लगी धार्मिक पाबंदियों ने पूरी कर दी, और जो कुछ बचा खुचा कसर था उसको क्या है, विधवाओं पर बहुत सारी धार्मिक पाबंदियां लगाई गई थी कि आप यहाँ मंदिर नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, ये धार्मिक कृत्य नहीं कर सकती, और बहुत सारी पाबंदियां, है ना, मतलब आपको चूड़ी नहीं पहनना है, श्रृंगार नहीं करना है, सजना संवरना नहीं है, ऐसी बहुत सारी पाबंदियां उस समय थी, रंगीन कपड़ा नहीं पहनना है, बहुत सारी बातें थी। इन सब प्रथाओं का समाज की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त थी, समाज के द्वारा स्वीकृति प्राप्त थी, पुरुष प्रधान समाज था।
खान पान के संबंध भी व्यक्ति की जाति देखकर होते थे। विवाह संबंधों की बात ही क्या की जाए, मतलब किसके यहाँ खाना खाना है, किसके यहाँ खाना नहीं खाना है, किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है, यह जाति पर निर्भर करता था। विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को घोर उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था। विधवा विवाह वैसे तो निषेध ही था, लेकिन यदि कोई विधवा विवाह भी कर ले तो उसको समाज से वंचित, समाज से वो कर दिया जाता था, निष्कासित कर दिया जाता था। तो विधवा विवाह उस समय मान्य नहीं था, और स्त्री शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा का भी उसमें विरोध किया जाता था। एक चौथाई जनसंख्या को अस्पृश्य समझा जाता था, एक चौथाई जनसंख्या को अस्पृश्य समझा जाता था, जिनके जिसके छूने मात्र से अपवित्र हो जाने का खतरा था। अस्पृश्य मतलब यदि आप उसको छू लेते हो, मतलब न छूने योग्य, जिसको स्पर्श ना किया जाए, अस्पृश्य। तो एक चौथाई जनता, लगभग 25% लोगों को अस्पृश्य की कैटेगरी में रखा गया था कि यदि मैं इसको छू देता हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, अपवित्र हो जाऊंगा, ऐसा डरते थे लोग। समाज का उच्च वर्ग स्वार्थी और अपने में ही मस्त था, तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात होगी, लेकिन समाज के जो अमीर लोग थे, जो उच्च वर्ग था, वो क्या था, अपने में मस्त था, उसको मतलब नहीं था क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीयता की भावना का घोर अभाव अंग्रेजों को भारत के शोषण के नित नए अवसर प्रदान करता था। अब इतनी सारी बुराइयां व्याप्त हैं जिस राष्ट्र में, तो उस राष्ट्र में शासन करना कितना आसान है। लोग जब इतना बटे हुए हैं जाति में, संप्रदाय में, धर्मों में, है ना, स्त्री और पुरुष सब अलग अलग बटे हुए हैं, तो ऐसे राष्ट्र में अंग्रेजों को उनका शोषण करना बहुत ही आसान लगता था। अब इन सामाजिक समस्याओं का बिंदुवार विवेचन किया जा सकता है, जो कि निम्नलिखित है। अब ऊपर हमने जिन सामाजिक समस्याओं का उल्लेख किया है, उनका हम यहाँ पर अलग अलग उल्लेख करेंगे, उनका वर्णन करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। पहला है छुआछूत और धार्मिक समस्याएं। भारत में उस समय जाति व्यवस्था सर्वत्र व्याप्त थी, जिसने समाज की जड़ों को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। भारतेंदु ने इसे लक्ष्य करके भारत दुर्दशा में लिखा है, मतलब उस समय छुआछूत था, यह नीची जाति का है या ऊंची जाति का है, यह अस्पृश्य है, इसको छूने से मैं अपवित्र हो जाऊंगा, और बहुत सारी धार्मिक समस्याएं भी थी। तो भारतेंदु जी ने क्या लिखा है भारत दुर्दशा में, बहुत हमने फैलाया धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। बोला ऐसे धर्म को फैलाने से क्या फायदा जो छुआछूत को बढ़ावा दे रहा है, ऐसा धर्म तो बेकार ही है। धर्म का जो तत्कालीन स्वरूप था, उसने समाज में जड़ता उत्पन्न की। जड़ता मतलब जो प्रगतिशील समाज नहीं था, पारंपरिक समाज था, रूढ़िवादी समाज था, रूढ़िवादी विचारों को इसने प्रचुरता प्रदान की और सपोर्ट किया, समर्थन दिया। वैज्ञानिक चिंतन को हतोत्साहित किया और जाति भेद को बढ़ावा दिया। उस समय जो धर्म का रूप था, उसने साइंटिफिक थिंकिंग को बढ़ावा नहीं दिया, उसको हतोत्साहित किया, वैज्ञानिक सोच को हतोत्साहित किया और जाति भेद को बढ़ावा दिया। समाज के लिए हानिकारक अनेक नियमों को शास्त्रीय घोषित किया किया गया, मतलब बहुत सारे नियम ऐसे थे समाज के जो समाज के लिए हानिकारक थे, ऐसे नियम थे, लेकिन उनको बोला कि नहीं, ये शास्त्र सम्मत है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, आपको पालन करना पड़ेगा। बाल विवाह को स्वीकृति प्रदान की गई, छोटी बच्चों की जो शादी थी, छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और उनको धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। विधवा विवाह को निषिद्ध ठहराया गया, मतलब विधवा विवाह पूरी तरह से निषेध था, चाहे कम उम्र की लड़की क्यों ना विधवा हो जाए, उसे पुनर्विवाह करने की, दोबारा शादी करने की, री मैरिज करने की अनुमति नहीं थी। समुद्र यात्राओं को हेय दृष्टि से देखा, जिससे पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से संपर्क बाधित हुआ। उस समय समुद्र को भगवान माना जाता था, बोलते कि भगवान को पार करके हम दूसरी तरफ कैसे जाएंगे, मतलब समुद्र यात्रा को क्या है, घृणा और हेय की दृष्टि से देखा गया। उनका लगा कि भगवान का अपमान ना कर दें हम समुद्र यात्रा करके। इससे क्या हुआ, जो पश्चिमी देशों में जो ज्ञान विज्ञान का प्रकाश और जो आलोक फैला हुआ था, उससे हमारा राष्ट्र वंचित हो गया। एकेश्वरवादी हिंदू धर्म बहुदेववादी धर्म में परिवर्तित हो गया। पहले हिंदू धर्म एकेश्वरवादी था, एक ही ईश्वर पर यकीन करते थे, लेकिन बाद में उनके ईश्वर की संख्या बहुत सारी बढ़ती गई और 33 कोटि देवी देवता देवता हो गए। कुछ लोग कोटि को कैटेगरी बोलते हैं और कुछ लोग उसको करोड़ बोलते हैं। तो इसमें भी हिंदुओं में बहुत ज्यादा इसमें अभी एकमत नहीं है कि 33 करोड़ है कि 33 प्रकार के हैं, है ना, 33 करोड़ देवी देवता है कि 33 कोटि, मतलब होता है प्रकार, 33 प्रकार के देवी देवता है। तो यह सब अलग मैटर है, धर्म और अध्यात्म के बारे में मैं नहीं जाऊंगा ज्यादा डीप में। धर्म के क्षेत्र में आडंबरों का व्यापक बोलबाला बढ़ चला था, है ना, बहुत सारे धर्म के क्षेत्र में आडंबर चल रहे थे। भारतेंदु ने उस समय प्रचलित धार्मिक अव्यवस्था को कुछ इस प्रकार अभिव्यक्त किया है, कैसी धार्मिक स्थिति थी यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है। रची बहुत विधि के वाक्य पुराणन माए घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रकटी चलाए। मतलब वो बता रहे हैं कि पहले कहाँ एकेश्वरवाद था, लेकिन बाद में अलग अलग मत हुए, शैव मत, शाक्त मत, वैष्णव मत, है ना। शैव लोग भगवान शिव के उपासक थे, शाक्त लोग शक्ति के उपासक थे, वैष्णव लोग वैष्णव धर्म के, अलग धर्म हो गया।
या भक्ति काल वाली परंपरा में पढ़ेंगे, भक्ति काली साहित्य का जब हम लोग अध्ययन करेंगे। जाति प्रथा की समस्याएं कौन कौन सी थी? शताब्दियों से हिंदू समाज जाति के जंजाल में उलझा हुआ था। हिंदू समाज की जाति व्यवस्था ने समाज को अनगिनत खंडों में विभक्त कर दिया था। व्यक्ति का जन्म जिस जाति में होता था वह उसी के अनुसार जीवन जीता था। व्यक्ति का खान पान किसके साथ हो तथा वैवाहिक संबंध किसके साथ हो, इसका निर्णय जाति के आधार पर ही होता था। मतलब जो भारत में जो जाति प्रथा है यह पुराने समय से चला आ रहा है, जिसको पहले वर्ण व्यवस्था कहते थे, लेकिन बाद में वर्ण व्यवस्था क्या जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गया और इसने हमारे समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। मतलब बहुत सारी जातियां यहाँ पर, और कुछ जातियां अपने आप को ऊंची जाति का समझते हैं, कुछ लोग नीची जाति का समझते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और यह जाति प्रथा या निर्णय जाति प्रथा के आधार पर यह निर्णय लिया जाता था कि व्यक्ति किसके साथ खाना खाएगा, किसके साथ खाना नहीं खाएगा, किसके घर खाना खाएगा और किसके किससे शादी करेगा, वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा तो किसके साथ शादी होगी। आज भी आपने देखा होगा कि जब लड़कियों की शादी अन्य जातियों के साथ हो जाते हैं तो यहाँ पर उसको अच्छी दृष्टि से देखा नहीं जाता है। प्रत्येक जाति श्रेणीबद्ध थी और सोपान क्रम व्यवस्थित था। मतलब एक जाति के अंदर भी कई प्रकार के कैटेगरी होते थे। एक जाति जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में भी तीन चार कैटेगरी होते थे, ये ऊंचा ब्राह्मण है या नीचा ब्राह्मण है। प्रत्येक जाति ने अपने से नीची जाति खोज निकाला था। मतलब खाली जाति प्रथा इसमें नहीं था, चार पांच जातियां, मतलब एक जाति के भीतर भी अलग अलग कैटेगरी हुआ करती थी और वो यह डिसाइड कर लेते थे कि मैं ऊंची जाति का हूं और तू नीची जाति का है। इन जातियों में अनेक जातियां अस्पृश्य थी, जिनके स्पर्श मात्र से अपवित्र हो जाने का खतरा रहता था। कुछ जातियों को अस्पृश्य डिक्लेयर कर दिया गया था। अस्पृश्य मतलब ना छूने योग्य, जिसको स्पर्श ना किया जाए, तो ऐसे थे। ऐसा ऐसा बोला जाता था कि इसको छू दोगे तो तुम अपवित्र हो जाओगे, इनका खतरा था। इन अस्पृश्य जातियों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए गए थे कि तुम मंदिरों में नहीं जा सकते, तुम यहाँ नहीं जा सकते, इस कुआं से पानी नहीं पी सकते, ये सारे प्रतिबंध थे। भारतेंदु ने जातिगत आधार पर भेदभाव को त्याज्य ठहराया। तो भारतेंदु की जो चेतना थी बहुत ही प्रगतिशील चेतना के कवि हैं। लगभग 35 वर्ष से वो जिंदा रहे, लेकिन एक कालखंड का नाम भारतीय साहित्य में भारतेंदु के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितने महान लेखक थे वो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहुत ही जीनियस थे। तो इन्होंने इसको भेदभाव को त्याज्य ठहराया और व्यंग्यात्मक स्वर में उन्होंने लिखा, जाति अनेकन करी नीच अरुमुच बनायो, खान पाना संबंध सबनसो बर्जी छुड़ायो। मतलब खान पान के संबंध को भी तुमने एक दूसरे के साथ छुड़ा दिया जाति के चक्कर में। इसके बाद विधवा विवाह निषेध तथा बाल विवाह की समस्याएं, ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है इसका। विधवा विवाह निषेध मतलब विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं थी, और बाल विवाह की समस्याएं, देखते हैं क्या समस्या है। उस समय बाल विवाह आम था। उस समय छोटी बच्चों की शादी बहुत ही आम थी। 8-9 वर्ष तक के बच्चों को वैवाहिक बंधन में बांध दिया जाता था। जिस आयु में बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए उस आयु में उनका विवाह कर दिया जाता था। मतलब 8-9 साल की बच्ची बहुत ही मासूम सी बच्ची होती थी, उस समय उसकी शारीरिक और मानसिक विकास पर माता पिता को ध्यान देना चाहिए, उसका अच्छा सा परवरिश करना चाहिए, पढ़ाना लिखाना चाहिए, तो उस समय क्या करते थे, उस बच्ची की शादी कर देते थे। तो बहुत ही कम उम्र में शादी करते थे। बाल विवाह के व्यापक होने का कारण इसे धार्मिक स्वीकृति मिलना था। मतलब कई शास्त्रों में भी कहा गया था कि इतने उम्र से पहले लड़कियों की शादी कर दी जानी चाहिए, तो इसका धार्मिक कारण था। धार्मिक कारण यह था कि रजस्वला होने से पहले लड़कियों की शादी कर दी जाए, तो यह एक धार्मिक कारण था, इसीलिए क्या है लड़कियों की विवाह कर दी जाती थी। इस संबंध में भारतेंदु का दृष्टिकोण पूर्णतः वैज्ञानिक है, कहीं कोई झिझक नहीं, कहीं कोई द्वंद नहीं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या है इसका विरोध किया, और उन्होंने भारत दुर्दशा में इसका उल्लेख करते हुए लिखा, बालकपन में ब्याही प्रीति बल नाश क्यों सब, विधवा ब्याह निषेध क्यों विविचार प्रचारियो। यहाँ पर हलंत लगा दीजिएगा, रख नीचे हलंत है। तो ये उन्होंने लिखा, इन पंक्तियों को आपको कोट करना बहुत जरूरी है। आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन दैट वेन एवर यू कोट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम्स और द लाइन्स फ्रॉम एनी प्ले यू विल सिक्योर वेरी गुड मार्क्स, सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड। तो बाल विवाह का एक नकारात्मक पहलू यह था कि बचपन में विवाह होने के कारण यदि कोई बालिका 15-16 वर्ष की आयु में विधवा हो जाती थी तो उसका पुनर्विवाह संभव नहीं था। विधवा विवाह के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण से बाल विधवाओं का जीवन अत्यंत संकटमय हो जाता। अब बाल विवाह का सबसे निगेटिव फैक्टर क्या था, निगेटिव एस्पेक्ट क्या था, नकारात्मक पहलू, कि यदि कोई लड़की बाल विवाह उसका हो गया 8-9 साल में और 15-16 वर्ष की उम्र में यदि वह विधवा हो जाती है तो क्या है, विधवा को दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं थी,
तो इससे उनका जीवन, जो बाल विधवा कहा जाता था उनको, तो उनका जीवन बहुत ही संकटमय कष्टमय हो जाता था। चौथा, अनमेल विवाह तथा बहुविवाह की समस्याएं। अब अनमेल विवाह क्या है? अनमेल विवाह और बहुविवाह के प्रचलन ने नारी का वैवाहिक जीवन नरकमय कर दिया था। कभी कभी तो अत्यंत हास्यास्पद ढंग से 60 वर्ष के व्यक्ति का विवाह 8-10 वर्ष की बालिका से कर दिया जाता था और पत्नी से पतिव्रत धर्म के पालन की अपेक्षा की जाती थी। मतलब देखिए उस समय क्या, अनमेल विवाह मतलब जो 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति भी 8-9 साल की लड़की से शादी कर सकता था, तो यह अनमेल विवाह है। तो ऐसी परिस्थितियां भी पैदा हो जाती थी। अब उस छोटी सी बच्ची से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह पत्नी के सभी मतलब जो धर्म होते हैं उसका पालन करे, पतिव्रत धर्म का पालन करे और अपनी पति के सभी प्रकार की जरूरतों को पूरा करे। तो बहुत ही हास्यास्पद स्थिति हो जाया करती थी। उच्च वर्ग में बहुपत्नी प्रथा व्याप्त थी। तो उच्च वर्ग के लोग थे, जो अमीर लोग थे, वो लोग कई पत्नियां रखा करते थे। एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती थी और पत्नियां उनकी उम्र से आधी या तिहाई उम्र की भी होती थी। मतलब कई पत्नियां ऐसी होती थी जो उनसे आधे उम्र की भी होती थी। जैसे कोई व्यक्ति 60 साल का है तो उसकी कोई पत्नी 30 साल की है या फिर कोई 15 साल की है, ऐसे टाइप की भी उनकी मतलब कोई 20 साल की है। तो आप समझ सकते हैं कितने मतलब महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसी प्रथाओं से स्त्री का जीवन कलुषित होना स्वाभाविक था। कलुषित मतलब उसके जीवन में अंधकार छा जाना बिल्कुल ही कॉमन सी बात थी कि ऐसी प्रथाओं से स्त्री का जीवन जो है नरक जैसा हो गया था। नरक जैसा जीवन वो लोग जी रहे थे। बहुत ही दुखद और बहुत ही पीड़ाजनक स्थिति थी उनके जीवन में। उस युग में नारी के निज व्यक्तित्व की पूर्णतया उपेक्षा की गई। मतलब महिलाओं को सिर्फ भोग का साधन समझा जाता था, उनके व्यक्तित्व की पूरी तरह से उपेक्षा की गई कि इसमें भी जीवन है, इसमें भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। पुरुष प्रधान समाज में नारी मात्र भोग्या थी। नारी का सिर्फ एक ही काम था कि वह भोग की वस्तु थी उस समय। भारत दुर्दशा में भारतेंदु इस असंगति को भारते हुए कहते हैं, जन्म पत्र विधि मिले ब्याह नहीं होन दे, तब करी कुलीन के बहुत ब्याह बल बीरज मार्यो। ये रा के नीचे हलन्त है यहाँ पे। तो ये आप पंक्तियों को आप याद करके कोट कर लीजिएगा। पांचवा है अंधविश्वास की समस्या। अंधविश्वास तो आज भी कुछ क्षेत्रों में व्याप्त है, लेकिन उस समय भारत के सुदूर ग्रामीण अंचलों में ओझा तांत्रिकों पर लोगों का डॉक्टर से अधिक विश्वास था। तो उस समय क्या था, डॉक्टर से ज्यादा वो लोग ओझा और तांत्रिक जो बैगा थे इन लोगों के ऊपर ज्यादा यकीन करते थे। अनेक शिक्षित व्यक्ति भी झाड़ फूंक पर अधिक यकीन रखते थे। उस युग में तो रोगों और महामारी के कारण जनसंख्या का बड़ा भाग काल में समा जाता था। उस समय क्या होता था, लोगों का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। तो इस कारण क्या है, रोग और महामारी के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी। यह अंधविश्वास की समस्या है। टीकाकरण को आम जनता में स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। भारतेंदु भारत दुर्दशा में इस पर प्रकाश डालते हैं। टीकाकरण को, वैक्सीनेशन को भी उस समय क्या है, लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। टीकाकरण के प्रति आम जनता में स्वीकृति प्राप्त नहीं थी कि हम क्यों टीका लगवाएं, क्यों हम पोलियो ड्रॉप पिए, इस टाइप की जो थी व्यवस्था उस समय, तो वो लोग क्या है उसको पसंद नहीं करते थे। आम जनता में उन्हें स्वीकृति प्राप्त नहीं थी, वो नहीं चाहते थे टीकाकरण करवाना, वैक्सीनेशन कराना। तो भारतेंदु ने भारत दुर्दशा में इस पर भी प्रकाश डाला है। छठवां है भारतीय जनता की अकर्मण्यता की समस्या। अकर्मण्यता मीन्स द पर्सन हु डजंट वांट टू डू एनीथिंग, मतलब जो आदमी कुछ भी करना नहीं चाहता, अकर्मण्य है, कुछ भी काम करना नहीं चाहता, उसको बोलते हैं अकर्मण्य। जो आदमी कुछ भी काम नहीं करना चाहता उसको बोला जाता है अकर्मण्य। द पर्सन हु डजंट वांट टू डू एनीथिंग, इसको बोलते हैं अकर्मण्य। तो जिस समय ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और जर्मनी देश जैसे देश निरंतर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उन्नति के पद पर अग्रसर थे, मतलब ये उन्नति के पद पर अग्रसर थे ये देश, क्योंकि वहां पर औद्योगिक क्रांति हो गई थी। उस समय भारत मोह निद्रा में डूबा एक अविकासशील समाज का चित्र प्रस्तुत कर रहा था। उस समय जो भारत था वह क्या था, अविकासशील समाज का दृश्य चित्र प्रस्तुत कर रहा था। भारतीयों को न तो औद्योगिक विकास की चिंता थी और न राष्ट्र के नवनिर्माण की। वो अपने में मस्त थे, उन्हें किसी चीज की चिंता नहीं थी कि हमारा देश परतंत्र है, उसे आजाद कराने के लिए कुछ करना चाहिए, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कुछ करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। भारतीयों को ना तो औद्योगिक विकास की चिंता थी और ना राष्ट्र के नवनिर्माण की। मुट्ठी भर शिक्षित भारतीय यदि इसके लिए प्रयत्नशील थे तो समाज की बहुसंख्यक जनता अपनी जड़ता में नींद ले रही थी। तो बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग थे जो इस दिशा में सक्रिय थे, लेकिन अधिकांश जो जनता थी वह अपनी यथास्थिति को उसने स्वीकार कर लिया था और वे उसी में खुश थे। भारतीयों की अकर्मण्यता पर खिन्न होकर भारतेंदु उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे थे। भारतेंदु उन्हें जगाने का प्रयास करते हुए कहते हैं, जग के देश बढ़त बदी बदी
केशव बाजी जय ही काल, ताहु समय रात इनको है ऐसे ये बिहार। तो ये उनकी पंक्ति है, सब ये सारी पंक्तियां भारत दुर्दशा से हैं, जो आपको अपने उत्तर में नोट करना है, आपको उत्तर में इसका उल्लेख करना है। और ये ध्यान रखें कि आप टेस्ट बुक को जरूर पढ़ें, अगर भारत दुर्दशा का कोई टेस्ट है, कोई किताब आपके पास है, तो एक बार इन पंक्तियों को भी आप टैली कर लें और किताब को जरूर पढ़ें। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। फाइनली भारतेंदु की महानता यह है कि उन्होंने भारत दुर्दशा के माध्यम से हमें जो कुछ दिखाया वह उस युग का सत्य था, जिस युग में वे रचना कर्म में तल्लीन थे। वास्तव में उन्होंने जो भी देखा उसे ही उन्होंने लिखा। तो उन्होंने जो भी यहाँ पर जिन समस्याओं को का चित्रण किया है वह वास्तव में उस समय समाज में यथार्थ रूप में विद्यमान थी, और इसी का उन्होंने यहाँ पर चित्रण किया है। इस नाटक में उनका युग झलकता है, उस युग की आ पीड़ा भय है ना, भय और ओज, ये भय भय ओज तेज और कष्ट इस नाटक में प्रतिबिंबित होता है। अपने समकालीन समाज की राजनीतिक आर्थिक धार्मिक तथा अन्य समस्याओं को उन्होंने पूरी गंभीरता जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ भारत दुर्दशा में चित्रित किया है। उनके समकालीन समाज की जो भी राजनीतिक समस्याएं थी, धार्मिक समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं थी, सामाजिक समस्याएं थी, उनका उन्होंने यहाँ पर यथार्थ चित्रण किया है, बहुत ही जीवन चित्रण भारत दुर्दशा में उन्होंने किया है। भारतेंदु भारत दुर्दशा में समाज में व्याप्त दुर्गुणों, कुप्रथाओं, आडंबरों, रूढ़ियों को पूरी जटिलता से उभार कर परिष्कार के उद्देश्य से आलोचना करते हैं। मतलब इस नाटक में मात्र आलोचना के लिए आलोचना नहीं की गई है, बल्कि लक्ष्य सुधार और नवनिर्माण का है। मतलब भारतेंदु तत्कालीन परिस्थितियों की जो आलोचना कर रहे हैं अपने नाटकों में, तो उनका उद्देश्य केवल उसका आलोचना करना नहीं है, बल्कि उसमें सुधार करना है, उसका परिष्कार करना है ना, उसमें सुधार लाना उनका मुख्य उद्देश्य है, उनका मुख्य लक्ष्य है। भारतेंदु को अपने सामाजिक दायित्व का पूर्ण ज्ञान था और अपनी लेखनी द्वारा उन्होंने इसे पूरी ईमानदारी से निभाया। तो भारतेंदु एक लेखक के रूप में उन्होंने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का उन्हें पूरा ज्ञान था और अपनी लेखनी के द्वारा उन्होंने इसे पूरी जिम्मेदारी से निभाया है। तो इन सभी समस्याओं को आपको अपने उत्तर में उल्लेख करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ये इस लेक्चर का जो PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और भारतेंदु जी ने एक बात नहीं बोली थी, मैं बता देता हूँ, बिना सब्सक्राइब किए जो मेरा चैनल देख रहे हैं तो यह भी एक पाप है, इसलिए तुरंत ही आप इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। Thank you.